हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। एंड इन टूडेज ब्लॉग वी आर हियर एट पासपोर्ट सेवा केंद्र। एक्चुअली कॉलेज का जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, सो देयर दे हैड आस्क्ड अस अबाउट सबमिटिंग पासपोर्ट डिटेल्स। एक्चुअली इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट फिर भी अगर पासपोर्ट रहता है तो एक बेटर एज होता है। सो डैट्स वाई आई हैड अप्लाइड फॉर पासपोर्ट एंड टूडे आई एम हियर एट मनकापुर एंड नागपुर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। सो गाइज, हम पासपोर्ट सेवा केंद्र के अंदर आ गए। अभी यहाँ पर हमें अपना टोकन मिलेगा डॉक्यूमेंट्स दिखा के। टोकन लेकर हम अपने ए काउंटर की तरफ बढ़ रहे। सो ए काउंटर में आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने पड़ते हैं, उसके बदले में एक एप्लीकेशन स्लिप जो है वो प्रिंट होके मिलेंगी। फिर वो एप्लीकेशन स्लिप को बाकी के दो काउंटर बी और सी में जाके वेरीफाई करना पड़ता है। आपके डिटेल्स वेरीफाई होते हैं? वेल, दिस इज़ अ बी काउंटर एंड हियर यू कैन सी द एलईडी स्क्रीन ओवर देयर। सो ऑल यू नीड टू डू इज़ यू हैव टू वेट फॉर योर व्हाट यू कैन सी एप्लीकेशन। योर टोकन नंबर जस्ट अपीयर एट अ टोकन नंबर कॉलम। In front of that there is a counter, so you have to go there and so currently I'm sitting at the B counter and waiting for my turn. A few minutes later. So guys, आज का दिन यहाँ पर ही खत्म होता है यार। I went for a passport, but unfortunately due to some documents जो हमारी passport की application है वो hold पर है। So one week बाद फिर से जाना है residual जो documents है मेरे वो submit करने के लिए। सो उसके पहले अभी मेरे को शेगा यानी मेरे कॉलेज वापस जाना पड़ेगा। वहाँ से मेरे डॉक्यूमेंट्स जो है वो मेरे को लेना पड़ेगा। सो शेगा लेके चलते यार फिर से आपको। सो गाइज, एज आई हैड टोल्ड यू दैट आई विल बी गोइंग टू शेगा। सो करेंटली इट्स अराउंड 4 o'clock एंड आई हैव टू लीव फॉर शेगा। करेंटली आई बुक माई व्हाट यू कैन से अ कैब सर्विस। सो गाइज, आई एम लीविंग माई होम राइट नाउ एंड आई एम इन ऑटो राइट नाउ। आई एम अकम्पनीड बाय मिस्टर प्रशांत फ्रॉम उबर। सो लेट्स। अरे प्रशांत जी थे जिन्होंने हमें रेलवे स्टेशन तक के पहुंचाया। थैंक यू वेरी मच प्रशांत जी फॉर हमको रेलवे स्टेशन तक के पहुंचाने के लिए। आशा करते हो आपका दिन अच्छा आ जाए। चल बाय। तो आई एम हियर एट सेंट्रल नागपुर रेलवे स्टेशन। नागपुर में जब भी आओ, नागपुर की पहचान है वो जो पीछे लगा हुआ इंजन है। तो डैट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अवर नागपुर रेलवे स्टेशन। सो गाइज, आई एम इन शेगांव राइट नाउ। सो भक्त निवास करके एक जगह है, सो देयर आई एम। सो अभी फिलहाल तो मैं तो अकेले आया हूँ। आई होप रूम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगी उसकी जांच पड़ताल करनी है। अगर रूम नहीं मिली तो बाहर जाके हमको रहना पड़ेगा। देखते अभी क्या होता है। सो हम भक्त निवास गए जो कि मंदिर के पास है, बट वहाँ पे हमें अपनी रूम नहीं मिली। सो हम वहाँ से एक फ्री बस चलती है संस्था के द्वारा। सो वहाँ पे बैठे और विसावा में पहुँच गए। सो विसावा भी एक बढ़िया जगह है। यहाँ पर काफ़ी सारे हॉल्स वगैरह हैं जहाँ पर आपको सिंगल बेड वगैरह मिलते हैं, या फिर डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी के ऊपर। सो काफ़ी अच्छी सर्विसेज है यहाँ पर और काफ़ी अच्छा कैंपस है पूरा। सो यू जस्ट फॉल इन लव विद दैट कैंपस। सो इट्स अराउंड मॉर्निंग 7 AM अप्रॉक्सीमेटली एंड आई एम स्टेइंग एट विसावा। वेल, विसावा इज़ अ प्लेस विच इज़ डेवलप्ड बाय श्री गजानन संस्था। सो वेयर डिवोटीज कैन स्टे फॉर अ स्पैन ऑफ 24 hours। So basically they offers a hall where a common hall where you can stay at a
minimum cost, that is around 50 rupees. So I'll show you how this Visava looks like, right? So this is a lush green gardens surrounded by green bushes. So you can see over there the template of numbers, right? So that is the hall number. तो ये सुबह का नाश्ता, तो आज एक प्लेट इडली और कॉफ़ी से काम चलाते हैं, चलते हैं। सो गाइज, मेरा जो कॉलेज वाला काम था वो कंप्लीट हो चुका है। हालांकि कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए थे पासपोर्ट के लिए, सो वो तो नहीं मिले, बट उसके बदले में हमने बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपना ले लिया, क्योंकि अभी कॉलेज की हमारी छुट्टियां भी चल रही है, बिकॉज एंड सेम हमारी जो है वो ख़त्म हो गई है। बट अभी हम अपने कुछ फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हैं, जो कि दूसरे कॉलेज में, जो कि शेगांव के ही पास का है, लेकिन वो BCA का कॉलेज है। मैंने कुछ वीडियो पहले एक लिंक डाली थी जहाँ पर मैंने उस कॉलेज का टूर कराया था, जहाँ पर हमने एक माइक्रोसॉफ्ट अज्योर की तरफ से गए थे, सेशन कराया था। तो चलते अपने दोस्तों से मिलते हैं। गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला था, हम अपने सरस्वती के फ्रेंड्स के साथ हैं। सो मीट हिम, ये हमारे गौरव सर, ये हमारे ऋषि सर जो है गौरव पाटिल, ये हमारे गौरव, कौन से गौरव? हेलो, हाय गाइस, गौरव शेखो, ये ऋषि सर, ऋषि जो है ही इज बेस्ड इन मल्टीपल कंपनी। A few hours later. I am currently waiting on the station. हमारी ट्रेन जो है वो 12 बजे की है। सो करेंटली अभी जो टाइम हो रहा है वो अराउंड 8 बज रहे हैं। सो 3 घंटे तक के हमें रुकना है। तो फाइनली हम अपने होम टाउन नागपुर पहुंच चुके हैं। सो अगर आपने यहाँ तक के वीडियो देखा तो इट मीन्स लॉट फॉर मी। तो प्लीज़ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन क्लिक कर देना।